उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की अधिशासी अभियंता पद पर सोमवार को बीसी मिश्रा के द्वारा विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। इससे पूर्व बीसी मिश्रा मथुरा में ही लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड में सहायक अभियंता के पद पर तैनात रहे। पदोन्नत होने के बाद उन्हें अब शासन के द्वारा यह जिम्मेदारी दी गई है। इस नवीन जिम्मेदारी को ग्रहण करने के साथ ही नवागत अधिशासी अभियंता बीसी मिश्रा के द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप सभी तत्वों का कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन किए जाने के साथ ब्रज के उत्थान के लिए कार्य किए जाने की बात कही गई। सर, लोक निर्माण विभाग में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बाद में बतौर एक्सीएन आप ब्रज तीर्थ विकास परिषद का कार्यभार ग्रहण किया, क्या खास व्यवस्थाएं रहेंगी और ब्रज को किस प्रकार से सेवान्वित किया जाएगा? देखिए, लोक निर्माण विभाग में अपने लंबी कार्यकाल के दौरान जो निर्माण कार्यों का अनुभव है, और मैं चाहूँगा आप अपने उस अनुभव को ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों के संपादन में उसका भरपूर सहयोग भरपूर उपयोग किया जाए। सबसे मेरी प्राथमिकता पहली ये होगी कि लोक निर्माण विभाग जिस प्रकार से अपने कार्यों की गुणवत्ता के लिए एक प्रचलित विभाग है, उसकी एक प्रतिष्ठा है, वही प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों की यहाँ पर स्थापित की जाए। यहाँ के द्वारा जो निर्माण कार्य किए जाएँ वो उच्च गुणवत्ता के हों, वो जनता जनार्दन के उपयोग में आने वाले हों, ब्रज तीर्थ के विकास में उनका अपना एक अलग छाप हो। मेरा प्रयास रहेगा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद में मैं अपनी सेवाएं समर्पित भाव से दे सकूं।